नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को लेकर विवाद अभी थमा नहीं है। पत्नी हसीन जहां ने जिस तरह के आरोप लगाए थे उन पर, घरेलू हिंसा, अवैध संबंध और मैच फिक्सिंग। हालांकि मैच फिक्सिंग के विवाद में बीसीसीआई ने मोहम्मद शमी को क्लीन चिट दे दी। अलिशबा के विवाद में भी थोड़ा बहुत मोहम्मद शमी को सपोर्ट मिला है, लेकिन अब कोलकाता पुलिस ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जब मैच था दो दिन पहले दिल्ली डेयरडेविल्स का, तो कोलकाता पुलिस ने मोहम्मद शमी को रोक लिया और पूरी टीम बेंगलोर के लिए निकल गई। कल मोहम्मद शमी से करीब 3 घंटे पूछताछ की गई है, 2 बजे से 5 बजे तक। और इस पूरे मामले में पूरी जानकारी और विश्लेषण के लिए हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ अली। काशिफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। काशिफ, मोहम्मद शमी से कल की ही बात करते हैं, 3 घंटे पूछताछ हुई है और उसके बाद कोलकाता पुलिस ने कह दिया कि आप बेंगलोर के लिए रवाना हो सकते हैं। 21 अप्रैल को दिल्ली डेयरडेविल्स का मैच है बेंगलोर के खिलाफ, तो क्या लगता है कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार तो नहीं किया? उन्होंने कहा कि शमी कोऑपरेट कर रहे हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आगे भी बुलाएंगे। बिल्कुल, देखिए ये तो बहुत शुभ संकेत हम मान सकते हैं मोहम्मद शमी के लिए। देखिए कि जिस तरीके से उनको रोका गया था, तो उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो अब आगे खेल पाएंगे या नहीं, ये भी अपने आप में बरकरार हो गया था संशय। लेकिन अब जिस तरीके से उनसे पूछताछ हुई और जो आपने जो बात कही कि जो कोलकाता पुलिस जो बात कह रही है कि वो कॉपरेट कर रहे हैं शुरू से, तो ये एक बड़ी बात है कि वो हमेशा शुरू से ही मोहम्मद शमी का ये देखने में आया है कि पूरे मामले में मोहम्मद शमी एक बार भी पीछे नहीं हटे हैं। कोई भी जानकारी हो या फिर पुलिस के साथ सहयोग हो, वो पीछे नहीं हट रहा है। तो यही वजह है कि मोहम्मद शमी का पक्ष मजबूत है। अब जिस तरीके से कोलकाता पुलिस ने उनके साथ बातचीत की, फिर उसके बाद उनको इजाज़त दे दी, तो ये मोहम्मद शमी के लिए बहुत संकेत अच्छा है। लेकिन वहीं हसीन जहां की बात की जाए, तो हसीन जहां की जो लगातार आरोप कर रही लगा रही, उन पर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन एक चीज़ और देखने वाली है कि मोहम्मद शमी इतने बड़े क्रिकेटर हैं, हालांकि हसीन जहां के सामने तो मोहम्मद शमी बिल्कुल अलग और एक बड़ी पर्सनैलिटी हैं। उन्होंने जब कोलकाता पुलिस ने उनको समन जारी किया था, मोहम्मद शमी ने अपने वकीलों से कहलवाया था कि भाई मैं आईपीएल में बिजी हूँ, आईपीएल के बाद मैं आपसे मुलाकात करूँ और सारा सहयोग करूँगा। लेकिन कोलकाता पुलिस ने कहा कि नहीं भाई, आपको हमें कोऑपरेट करना है और मोहम्मद शमी ने किया ही। क्या आपको ऐसा लगता है कि अभी तक कोलकाता पुलिस को ऐसा कोई सुराग नहीं मिला है जिस वजह से मोहम्मद शमी को भी वो इतना मतलब गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो कोलकाता पुलिस अभी तक गिरफ्तार कर चुकी होती मोहम्मद शमी। बिल्कुल अभिलाष जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही कि अभी तक कोई भी ऐसा सुराग, ऐसा सबूत नहीं मिल पाया है मोहम्मद शमी के खिलाफ, जो पुख्ता सबूत हम कह सकते हैं, नहीं मिल पाया है कि जिसकी बदौलत उनकी गिरफ्तारी हो सके। अभी तक जो है वो सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाए गए हैं। आरोप तो देखिए लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, आरोप कोई किसी पे लगा सकता है, लेकिन उन आरोपों में कितनी सच्चाई है, कितने फैक्ट्स हैं, कितने वो कानून के मुताबिक उस पे पूरे उतरते हैं या नहीं, कानून की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसके मुताबिक है या नहीं, तो वो सारे मामलों को पुलिस बहुत गहराई से जांच रही है। तो जाहिर सी बात है कि जब आपके सबूतों में, आपके तथ्यों में जब सच्चाई नहीं होगी, तो जो पुलिस है वो इसी तरीके का करेगी, उससे पूछताछ करेगी और उसे नहीं लगेगा तो वो गिरफ्तार भी नहीं। और एक बात और है कि हसीब जो मोहम्मद शमी के जो भाई हैं, हसीब से भी पूछताछ की है कोलकाता पुलिस ने, एक बार फिर पूछताछ की है, ये तीसरी पूछताछ जो है हम देख रहे हैं। हसीब के खिलाफ जो आरोप लगाया है मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने, कि जो दुष्कर्म का जो आरोप लगाया था, शमी मीडिया के सामने क्लैरिफाई कर चुके हैं कि भाई हम इस डेट को यहाँ पर थे, ये यहाँ पर घर पर आई, तो दुष्कर्म हुआ कब? हसीब से पूछताछ भी हुई, हसीन जहां ने भी जाहिर सी बात है अपना स्टेटमेंट दिया होगा, तो क्या लगता है कि हसीब भी इस मामले में उनको भी क्लीन चिट मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताऊं अभिलाष जी, देखिए हसीन जहां ने जिस तरीके से पूरा जो एक शुरू से हम पूरी एक मामले को देखेंगे, तो हसीन जहां का मामला ये है कि वो आरोप लगा रही हैं। वो पहले उन्होंने शमी के ऊपर आरोप लगाया, फिर उन्होंने देखा कि शमी के साथ साथ उनके परिवारजनों को भी उनको चपेट में ले लिया कि ये इस तरीके का आरोप, कभी दुष्कर्म जैसा एक गंभीर आरोप लगा लेना। तो अब ऐसे में अब दुष्कर्म जब होता है तो उसके बाद एक पूरी कानूनी प्रक्रिया होती है, जो शिकार होती है, जो पीड़िता होती है, उसका काफ़ी टेस्ट किए जाते हैं। तो उस चीज़ में भी अगर वो नहीं निकल पा रहे, तो जाहिर सी बात है हसीब को इस चीज़ में क्लीन चिट मिल जाएगी। इसमें मिलनी भी चाहिए, क्योंकि देखिए अभी तक हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि हसीन जहां सही हैं या मोहम्मद शमी सही हैं, लेकिन जिस तरह से बयान और आरोप लगाए हैं मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने, हर जगह पर वो गलत साबित होती जा रही हैं। मैच फिक्सिंग का आरोप आपने लगाया, मैच फिक्सिंग में जब ACU का संगठन हुआ, ACU के चीफ ने कहा कि भाई मोहम्मद शमी मैच फिक्सिंग में शामिल नहीं है,
उसके बाद बीसीसीआई ने आईपीएल में खेलने की रजामंदी दे दी मोहम्मद शमी को। जो करियर पर तलवार लटक रही थी वो तो मोहम्मद शमी के ऊपर से हट गई। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी शामिल किया बीसीसीआई ने, लेकिन उसके बाद जो घरेलू मामला है वहाँ पे भी मोहम्मद शमी थोड़ा सा हसीन जहाँ से आगे निकलते हुए नज़र में आ रहे हैं, क्योंकि जो चैट्स वायरल हुई थी सर, और उसके बाद जिस तरह से हसीन जहाँ ने कहा था कि मैंने खुद पकड़ा है इनको बात करते हुए, तो क्या ये पुलिस के दिमाग में भी ये बात होगी कि भाई ठीक है अगर चैट हुई भी है, अगर मैसेजेस आए भी हैं, शमी ने बात की भी है, तो क्या एक फैन एक बड़े क्रिकेटर को मैसेज नहीं करता? और क्रिकेटर्स की थोड़ी लाइफ भी ऐसी है। बिल्कुल, इसमें तो अभिलाष जी इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है कि कोई भी एक बड़ा क्रिकेटर हो या कोई भी एक बड़ा स्टार हो तो उसके अपने एक अलग फैंस फॉलोइंग होती है, तरह तरह के लोग उनसे जुड़े होते हैं, तमाम लोगों की पार्टीज़ में तमाम गैदरिंग में उन लोग शामिल होते हैं, कौन किससे कब मुलाकात हो जाती है, कुछ से कब कहाँ कौन नंबर ले लेता है, कहाँ से नंबर लीक हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो समझ से एक समझने वाली बात है कि वो चैट हुई हो सकता है कि एक नॉर्मल सी बात हुई हो, एक नॉर्मल सी चैट हुई हो और उस चीज़ का एक गलत मतलब निकाला गया हो, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि उस चैट के अलग तरीके तरीके के मतलब निकाले जाएँ। लेकिन हाँ, मैं इस बात से आपके इत्तेफाक रखता हूँ कि एक फैन फॉलोइंग होती है, तमाम तरीके के लोग जुड़े होते हैं और इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल, मैं वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, आप टेक के भी जानकार हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए ये बात तो साफ है कि कोलकाता पुलिस ठीक है मोहम्मद शमी को बुला रही है, पूछताछ कर रही है, उन्होंने कहा कि भाई शमी भी कॉपरेट कर रहे हैं। कोलकाता पुलिस अगर चैट्स को तो उन्होंने देखा ही होगा जो वायरल की हैं हसीन जहां ने, उन चैट्स में तो कुछ ऐसा मिला नहीं है या फिर कोलकाता पुलिस को जिस वजह से आप मोहम्मद शमी को गिरफ्तार करें? बिल्कुल, देखिए चैट्स में तो वो दमदारी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि अगर वाकई में जिस तरीके का जब शुरुआत की हमें खूब याद है कि जब पहली बार उन्होंने मीडिया के सामने आई थी हसीन जहां, तो पूरा एकदम जेरॉक्स हुए हुए पूरे उनके पास पेपर से, तो अगर उसमें कुछ ज़रा भी सच्चाई होती, कुछ ज़रा भी उसमें कुछ ऐसा लगता पुलिस को कि नहीं इस बुनियाद के इस चैट के आधार पर शमी की गिरफ्तार कर लिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि चैट का मामला भी इतना दमदार बचा है। चलिए ये बात तो काशिफ भाई ने बताई और कई जानकारों का भी ये मानना है कि जो चैट का जो मामला है अब ये इसको कायदे से दरकिनार ही कर रही है पुलिस, जिस तरह से चीज़ें समझ में आ रही हैं। दूसरी बात क्या है कि मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां कई क्रिकेटर्स को भी जानती हैं, उनकी पत्नियों को भी जानती हैं, पहले उन्होंने दादा का नाम लिया, उसके बाद उमेश यादव की पत्नी का नाम लिया, कई ऐसे क्रिकेटर्स हैं अभी तक हमने जो भी देखा है क्रिकेटर्स को शमी को सपोर्ट करते देखा है, उन्होंने हसीन जहां के खिलाफ हालांकि कुछ नहीं कहा, जितने भी क्रिकेटर्स ने शमी को सपोर्ट किया है, धोनी ने शमी को बैक किया, विराट कोहली ने शमी को बैक किया और खुद गौतम गंभीर ने भी बैक किया, उन्होंने कहा कि भाई शमी का जो घरेलू मामला है उस पर मैं नहीं जाऊँगा लेकिन मैं इसको खिलाऊंगा ज़रूर, और शमी का खेल पर भी उनका असर पड़ रहा है। तो क्या अब क्रिकेटर्स, या तो दो चीज़ें हो सकती हैं, क्रिकेटर्स को हसीन जहां का नेचर पता है, या फिर क्रिकेटर्स ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस केस में कोई दम नहीं, क्योंकि देखिए ड्रेसिंग रूम में रहते हैं तो मोहम्मद शमी को और उनकी लाइफ के बारे में तो जानते ही होंगे, कई फंक्शंस में भी मिलते हैं। भुवनेश्वर कुमार ने भी हाल ही में कहा है कि भाई मोहम्मद शमी इंसान अच्छे हैं, वो इस तरह की चीज़ों में शामिल नहीं हो सकते। बिल्कुल, देखिए अभिलाष जी, हमें और आपको, देखिए हम सब ही हों, चाहे वो क्रिकेटर्स हों या कोई भी हो एक्स वाई जेड, देखिए हम सभी लोग एक समाज का हिस्सा हैं जी। हम सब लोग उस समाज में रहते हैं कि जहाँ हमारे अपने कुछ साथी होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं, कुछ अच्छे कोलीग्स होते हैं। तो देखिए समझने वाली मैं इस बात में इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए मोहम्मद शमी एक क्रिकेटर हैं, उनके क्रिकेट के ही दोस्त हैं उनके जो भारतीय क्रिकेटर हैं ऑलरेडी, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि उनकी पत्नी से ज़्यादा, उनकी पत्नी हसीन जहाँ का मामला अलग है बिल्कुल, लेकिन मोहम्मद शमी जब इंसान उसके साथ किसी के साथ रहता है, किसी के साथ लोग 20-20 दिन का टूर पर जा रहे हैं, लोग साथ रह रहे हैं, साथ मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, तो इंसान का व्यक्तित्व पता चल जाता है कि ये इंसान किस नेचर का है और किस तरीके की सोच रखता है। तो जाहिर सी बात है, जो जैसे आपने अभी कहा कि उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी ने, विराट कोहली ने, गौतम गंभीर ने, जैसे आप नाम गिनाए कि इन लोगों ने कहीं ना कहीं डायरेक्टली बैक किया है मोहम्मद शमी को, तो बैक करने की वजह यही होती है कि जब कोई इंसान किसी व्यक्तित्व को जानता होता है, उसकी शख्सियत से जानता हुआ होता है, वाकिफ होता है, तो वो उसको बैक करता ही है कि ये शख्स ऐसा नहीं हो सकता जिस पर इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं। चलिए आखिरी सवाल लेते हैं आकाशी भाई, वो नन्ही बच्ची बेबो, बिल्कुल उस बच्ची का क्या कसूर? क्या आपको नहीं लगता कि इस विवाद में अब हसीन जहां को भी समझ लेना चाहिए कि भाई हम ये नहीं कह रहे हैं कि हसीन जहां को अपने कदम पीछे हटाने चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक बार कॉम्प्रोमाइज़ की बात करनी चाहिए? क्योंकि इंस्टाग्राम पर हाल ही में मोहम्मद शमी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था मैरिज एनिवर्सरी उन्हें विश की है और बेबो को भी मिस किया है, तो क्या बेबो के लिए इन्हें
एक साथ हो जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये चीज़ तो इन दोनों, हम बल्कि हम हस्बैंड वाइफ की बात तो नहीं करेंगे, हम इनके दोनों जो परिवार के सदस्य हैं उन लोगों को भी आगे आना चाहिए था कि एक बेटी के खातिर इन दोनों जो पति पत्नी हैं इनको आगे आना चाहिए था, और जो सारी जो गिले शिकवे हैं उनको भूल जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ बात एक के जीवन की है कि उसकी ज़िंदगी पर कितना असर पड़ रहा है, आने वाले वक्त में वो स्कूल जाएगी, फिर उसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल काफ़ी उसके ऊपर दिक्कतें सामने आएंगी कि भाई देखिए इनकी माँ का ऊपर है, काफ़ी चीज़ें बच्चे इस तरीके की ज़िंदगी में जिएंगे, तो इस चीज़ को लेकर फ्यूचर के खातिर उन दोनों को एक हो जाना चाहिए। चलिए बिल्कुल, काशिफ भाई को भी यही लगता है कि मोहम्मद शमी और हसीन जहां को इस बच्ची के फ्यूचर के लिए ही एक हो जाना चाहिए, या एक बार बात ज़रूर करनी चाहिए। तो इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, शमी से पूछताछ हुई है इस मामले में, और अपडेट और ताज़ा जानकारी के साथ आपके साथ कल फिर हाजिर होंगे, लेकिन फिलहाल हमें दे दीजिए इजाज़त, और हाँ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।